हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई शारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आज स्वतंत्रता दिवस जोधपुर में उमेद स्टेडियम में मनाया गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मन की किरणें प्रस्फुटित हो रही है और उसे हम महसूस भी करते हैं, एक नई ऊर्जा जरूर है। और तिरंगा लहरा चुका है फजाओं में, जिसके तले देश देशवासी सांस ले। सत्य प्रकाश डायरेक्शन पुलिस पुलिस लाइन के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए जरूरी है। और जी दिल के बिना अधूरा है, आपकी तालियां आपका दोस्त आपका अच्छा होता है। सातों नंबर दो राजस्थान पुलिस दोस्त प्रकाश उसके पीछे महिलाओं में जोश की कमी है, काफी नंबर पाँच राजस्थान को काफी नंबर छह में स्काउट कर स्काउट कर जिसमें हम संपूर्ण भारतीय साथ देखते हैं वो भी चीजों के पीछे है। काफी अच्छे सौतल भजन दल विष्णु एक साथ बढ़ते कदम एक साथ आज उपस्थित कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण अचानक स्थितियां विकट हो गई है। कोरोना महामारी का प्रदेश में पहला केस आने के साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान सतर्क है के मूल मंत्र के साथ काम शुरू कर दिया। देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने के साथ ही मानव जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने त्वरित फैसले लेकर बचाव के उपाय शुरू कर दिए। कोरोना महामारी के प्रकोप की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने सभी राजनीतिक समाजों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन, राज्य कर्मचारियों, मीडिया जनप्रतिनिधियों एवं आमजन के सुझावों का सम्मान करते हुए कोरोना वायरस की जांच की कोई सुविधा नहीं होने के कारण जांच के लिए सैंपल राज्य के बाहर भेजने पड़ते थे। आज राज्य में 45,000 से अधिक जांचें प्रतिदिन की जा रही है। इस घड़ी में राज्य सरकार आम आदमी के साथ खड़ी है और उनके जीवन की रक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आमदन में अत्यंत सिंहासन फिर उठे राजवंशों ने रुद्र की रानी की, बूढ़े भारत ने आई फिर से नई जवानी की, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उगी सरसत्तावन में वो दरबार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब रणी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज के इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, एनसीसी और सीआरपीएफ भी यहाँ मौजूद हैं, जो प्रशासन के राज्य सरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, मेहनती कार्य करते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज 15 अगस्त के दिन इस राजकीय वुमेन स्टेडियम में मुझे तिरंगा फहराने का और राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करने का मुझे अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने जो बीड़ा उठाया था, जो प्रण किया था, जो तय किया था, जो लक्ष्य अपने सामने रखा था, उसे राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और दाऊद कफी से लौट के आए मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे प्यारे बापू, वो संत जिसने हमें आजादी दे दी बिना सड़क बिना ढाल, और 30 साल के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उस बात की कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम और हमारे बच्चे इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। हमें भी अपना योगदान देना है। छोटे उदाहरण से छोटी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक राजा ने तय किया कि उनकी राजधानी में जो शिवजी का मंदिर है उसमें एक सरोवर बनवाएंगे, उसको दूध से भरेंगे और रोज जो शिवजी का अभिषेक होता है दूध से होता है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि इस अमावस्या की रात को सड़क पे नहीं डालेगा और दुकान बुहार के कचरा चौराहे पे नहीं डालेगा, और एक एक सफाई कर्मी, एक एक सैनिटरी इंस्पेक्टर तय करे कि जोधपुर शहर कचरा उठाने का उसका दायित्व है, उसका वो पूरी निष्ठा से पालन करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर शहर साफ हो जाएगा। इसी प्रकार एक एक शिक्षक ये तय कर ले कि मैं स्कूल में आने वाले प्रत्येक बच्चे को वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसी शिक्षा की अपेक्षा वो अपने स्वयं के बच्चे लेकर आए। एक एक डॉक्टर और नर्सिंग माँ भारती को हाजिर नाजिर कर आइए हम सब इस शपथ लें कि हमारे हिस्से का जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे हम संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे और हम पाएंगे, अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो हम पाएंगे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन गया है, भारत एक उन्नत राष्ट्र बन गया है, भारत एक समृद्ध और खुशहाल देश बन गया है, भारत एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ देश बन गया है। यह मेरा आपसे शपथ के साथ साथ ये आग्रह भी है। और हम राज्य सरकार के निर्देशानुसार 9 घंटे आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह एक राष्ट्रीय पर्व है और एक ऐसा ही पर्व है जिस प्रकार हिंदू दिवाली और होली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, जिस प्रकार मुस्लिम हैं वो ईद मनाते हैं, जिस प्रकार ईसाई धर्म को मानने वाले क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ये एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो हम सभी धर्मावलंबियों को, सभी नागरिकों को परिवार के साथ उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए, अपने घर पे झंडा फहराना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी कंट्री के प्रति जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 100% होगा, वो बेस्ट होगा। और जोधपुर संभाग के लिए मैं, जैसा आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है सुशासन देने की, सुशासन देने की जो मंशा है और पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने की जो मंशा है, उसके अनुरूप जो सभी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक नागरिक का काम सरलता से हो,
ईमानदारी से हो, बिना किसी भ्रष्टाचार के हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। उसके कामों की सुनवाई हो, उसके लिए जो राज्य कार्मिक हैं सभी संभाग के 6 जिलों के, उनको पाबंद किया गया है कि वो समय पे आए, पूरे समय अपने कार्यस्थल पर रुकें और लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करें, बिना पूर्व अनुमति के अपने जो कार्यस्थल है उसको नहीं छोड़ें। इसी प्रकार जो RGDPS है, राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, उसमें प्रत्येक कार्य को करने की समय सीमा तय है, एक मियाद तय है। तो प्रत्येक नागरिक का काम उस तय समय सीमा में हो, साथ में प्रत्येक नागरिक का सुनवाई का अधिकार भी है। तो जो व्यक्ति किसी ऑफिस में अगर जाता है तो जो एप्लीकेशन देता है वहां पे उसको बाकायदा रसीद दी जाए और उसका जो भी काम है उस पर जांच होकर के अगर उसका काम नियमानुसार है और सही है तो उसका काम उसको करके दिया जाए। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। मेरा आप सबसे भी माध्यम है, आप सबके माध्यम से भी ये आग्रह है, ये निवेदन है कि आप भी अपनी सक्रिय भूमिका जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, उसमें आप निभाएं। एक एक मीडियाकर्मी, एक एक नागरिक अगर अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा तो मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के लेवल में सुधार आएगा और एक अच्छा प्रशासन जोधपुर संभाग के लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, तो खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। देश विदेश और राजनीति की ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज पर। धन्यवाद।